अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। जब कुछ ससा और टेस्टी सा खाने का मन हो तो आप लोग बनाइए अफगानी अंडा करी। बहुत ही कम मसालों में बनता है और टेस्ट में तो लाजवाब होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है मसाले हैं कुछ, जिसमें है एक बड़ी साइज की प्याज, उसको इस तरह से हमने मोटा मोटा कट कर लिया, 4 से 5 हरी मिर्च और 8 से 10 कली लहसुन के और 10 से 12 काजू। और हमने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल दिया है। उसके बाद हमने सारे मसाले इसमें डाल के इसे हल्का सा हमें सौटे करना है, ताकि मसाले हमारे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। तो ये सब डाल के अच्छे से हमें इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए पका लेना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और मसाले सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसे हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 2 से 3 बड़े चम्मच डाल के इसे ढक के हम रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ठंडा हो जाएगा, फिर इसे पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो हमने पेस्ट बना के रख दिया। उसके बाद यहाँ हमने 8 से 10 अंडे लिए हैं, इसको बॉईल करके और उसके छिलके निकाल के और इस तरह से हमने स्पून से इसे ब्रेक कर लिया है। उसके बाद कढ़ाई में हमने 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल के और उसमें हमने अंडे डाल के इसे फ्राई करना है। और ये थोड़ा सा मसाले हैं, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच है हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी मिर्च। ये सारे डाल के और इसे चलाते हुए इसे इस तरह से हम फ्राई करेंगे। इसमें दो तीन बूंदे इस तरह से पानी के डाल देना है, थोड़ा सा छींटा मार देना है पानी के, ताकि मसाले अच्छे से अंडों पे लग जाए। उसके बाद इसे फ्राई करके हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमने अंडों को निकाल लिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में हमने 4 बड़े चम्मच तेल डाल दिया। और ये मसाले हैं 2 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। इसको डाल के मसालों को थोड़ा सा तड़कने देंगे। फिर हमने जो पेस्ट बना के रखा है वो पेस्ट इसमें डाल के और इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेना है। तो इसे इस तरह से चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और मिक्सर के जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के उसमें मसाले लगे थे, तो इस तरह से हम इसमें डाल देंगे। तो इसे चलाते हुए अच्छे से भुनना है, इसे चलाते रहना है, वरना इसमें काजू डाले थे तो नीचे से लग सकता है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे। और उसके बाद इसमें 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे कूटा हुआ भुना हुआ जीरा पाउडर। बस इतना ही मसाला पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें हमें नहीं डालना है। बहुत ही कम मसालों में बनता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद हमने 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें डाल देंगे दही। दही को डाल के अच्छे से मिक्स करना है। और दही डालेंगे तो गैस के फ्लेम को लो रखना है, वरना दही हमारे फट जाएंगे। और हमने नमक नहीं डाला था, तो इसमें 1/2 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अंडे को फ्राई करते हुए भी हमने नमक डाला है। तो सारे मसाले भुन जाएंगे। फिर हमने इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच हमने इसमें फ्रेश क्रीम डाल दिया है, अमूल का फ्रेश क्रीम है, और उसे डाल के 1-2 मिनट तक पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, मसाले हमारे अच्छे से भून के तैयार हो गए थे। फिर हमने जो अंडों को फ्राई करके रखा है इसमें डाल देंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और देखिए कलर टेक्सचर कितना अच्छा आया है इसका। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए, जितना ग्रेवी आपको पसंद है उतना आप ग्रेवी डाल सकते हैं। तो पानी डाल सकते हैं, ग्रेवी बना सकते हैं। हमने जिसमें अंडे रखे थे उसमें थोड़ा मसाला लगा था, तो उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसमें डाल के 2-3 मिनट तक हम इसे ढक के पका लिया है। उसके बाद हमने गैस का फ्लेम बंद करके इसमें 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के और इसे मिक्स कर दिया। और उसके बाद इसे हमने सर्व कर दिया। तो इसे आप रोटी के साथ, नान के साथ या फिर सादे चावल के साथ, राइस, जीरा राइस के साथ, आप किसी के भी साथ इसे सर्व करिए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।